आइए इलस्ट्रेशन नंबर 72 को एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बातें कही गई है, कुछ खास क्वेश्चंस में नहीं है, फिर भी एक बार आपको देखने समझने की जरूरत है। अब देखिए, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको बात कर रहा है स्पेसिफिकली डील्स विद हिडन गुडविल, राइट। अगर जहां तक मैंने देखा है इसको, उसमें ये आपका हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात कर रहा है, राइट। ठीक है जी, चलिए। अगर हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया हुआ था, अगर थोड़ा सा उसको आपने कॉन्सेप्चुअली अपने जहन में उतारा है तो इसमें काफी सारा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर भी डाउट आया है तो देखते हैं कि अगर आपका ये बैलेंस शीट जो पी और क्यू का है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, राइट। तो जो भी बैलेंस शीट इनका दिया हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से। वो कहता है दे एडमिट आर एज अ पार्टनर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्स पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये भी हम नहीं करा रहे क्योंकि ये सारा चीज आपको आता है पहले से। मेन जो है आपका कहता है आर ब्रिंग 4,000 एज हिज कैपिटल असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब अमाउंट गुडविल का अमाउंट लेके आया ही नहीं, लेकिन 4,00,000 कैपिटल का पैसा वो लेके आया। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है कि हमको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास गुडविल कितना है। तो गुडविल का वैल्यू निकालने से पहले तक इनका जो कैपिटल है इसमें बाकी सारे एडजस्टमेंट कर ले, जैसे आपका कोई पीछे का प्रॉफिट है उसको एडजस्ट कर ले, कोई रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट लॉस है उसको एडजस्ट कर ले। दैट एडजस्टेड कैपिटल इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, राइट। अगर इतना आप कर लोगे, जैसे इसका 2,50,000 का कैपिटल है ना, यहाँ वर्किंग कैपिटल में आप देखिएगा कि 2,50,000 का कैपिटल है और इसने प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको बांट लिया, तो इसको भी बांटने में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। या है, अगर ये है तो फिर अलग बात है, यहां तक भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जब प्रॉफिट आपके बढ़ते हैं, रिजर्व बढ़ते हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपको बढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी पीछे का ही खर्चा है, राइट। तो ये 30,000 को भी, अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इसको कैपिटल को डेबिट करके इसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे। इसीलिए 250 प्लस 18750 माइनस 87750। तो पी का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 3,50,000 रुपया हो गया। वैसे ही क्यू का एडजस्टेड कैपिटल आपका 2,10,000 हो गया। अब मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट था हिडन गुडविल में, जो आपको मैंने स्टेप भी दिखाया था, अगर आपको ध्यान में हो, तो सबसे पहला क्या करते हैं हम कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को, उसके शेयर्स जो गेन कर रहा है वो, उसको रेसिप्रोकल करके, मतलब उल्टा करके पहले निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ आर कैपिटल कितना होगा, 4,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। ये 3/1 कहां से आया, जो कि ये शेयर गेन कर रहा है 1/3, तो 1/3 शेयर दिया हुआ है, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 उलट दोगे ना, राइट, ताकि आपका टोटल कैपिटल निकल के आ जाए। तो टोटल कैपिटल हाउ मच, टोटल कैपिटल है 12,00,000 रुपये का, राइट। चलिए, अब बाकी इनका हो गया, तो इसका एडजस्टेड ये वाला हो गया, इसका ये हो गया, ये इसका तो दिया हुआ है, तो 960 जब लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल जो आएगा वो 2,40,000 आएगा। तो अगर ध्यान से अगर देखिए, क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग का लिटरेचर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट जो मैंने कराया भी था आपको, तो देख लीजिए एक बार, ये हिडन गुडविल है, मतलब छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स अ सीक्रेट। ये हिडन गुडविल सीक्रेट ही है, तो जो कल मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, अगर ध्यान से आप देखिएगा, अब इसका लाइन आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे, ये कह रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवेन, तो क्या आपके क्वेश्चन में गिवेन था, ऑब्वियसली नहीं था। द वैल्यू ऑफ द गुडविल हैज बीन इन्फ्रेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ ऑफ द फर्म एज फॉलो, राइट। तो एक नेट वर्थ आप निकालिए, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई इनकमिंग पार्टनर, तो यही हमने किया अभी,
कितना कैपिटल लेके आया था वो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो आपका कितना आया था 12 लाख। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कैपिटल बाय इनकमिंग पार्टनर, राइट। तो आपको सारा का सारा जो नेटवर्थ हमने निकाला अभी जो सेकेंड वाले कंडीशन में, वो आपका कितना निकल के आया था 960। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ ₹240 इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल और कुछ होता नहीं है, आपको ऐसे ही आपको दिया रहेगा, कहने को ऐसे कर सकते हैं। आपका जो नोट्स था मैंने वो भी कल डिस्कस किया हुआ था, एक क्वेश्चंस भी छोटा सा करवाया था, तो फिर भी अगर बात नहीं बनी थी तो कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है जी, चलिए। तो आई थिंक अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ जी, बाकी लोग और ज्वाइन किए हैं आज? हाँ आज तो आए हैं, सूर्योदय हुआ है। हाँ जी बताइए, आपको कोई डाउट है? अभी कितने क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों का इस पे, क्योंकि लास्ट एक कॉन्सेप्ट अभी कराना है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो आप मना कर रहे हैं तो अभी आज रुक जाते हैं। तो कोई और डाउट है तो आप क्लियर करिए। 9 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, आपने मैसेज किया कि 9 क्वेश्चंस रहते हैं, तो राइट, कोई बात नहीं। तो 9 क्वेश्चंस रहते हैं, तो टुमारो इज द संडे, टुडे इज सैटरडे, राइट। तो आपका 2 दिन में 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन भी लगाओगे तो हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोग को मंडे को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, अगर उनको डाउट है तो प्लीज टेल मी, आस्क मी, कोई अगर डाउट है, बीच में आपका क्लास भी गैप रहा है, हाँ जी कुछ डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है तो मंडे वाले लेक्चर में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, गुड डे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू।